यहाँ पे भैया बता रहे हैं इलाहाबाद में ऐसे गन्ना आता है जो पानी जैसा लगता है, तो हम अपने प्रतापगढ़ का पानी भी लाकर यहाँ पे जरूर बेचना चाहेंगे अगले कुंभ मेला में। भैया आपको टेस्ट कैसा लग रहा है इसका? शानदार है, शानदार टेस्ट है। पंडित जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप लगभग कितने सालों से ऐसे काम कर रहे हैं? फेसबुक पे नहीं डालेंगे हम। तो दोस्तों मैं बता दूं, संगम नगरी पे सबसे ज्यादा कचालू बिकता है। लगभग एक दिन में कितना किलो बेच लेते होंगे आप? कम से कम 50। 50 किलो बेच लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जस्ट किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ का जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है, और यहाँ के फूड को टेस्ट करने वाले आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छी दुकानें हैं, तो यहाँ का भी रिव्यू करने वाले हैं और यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे रहता है। तो ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संगम नगरी में नहाते हैं और मज़ा लेते हैं। दोस्तों यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बता दूँ धूप बहुत तेज़ पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है चलने में। ऐसा अनुभव आप भी कर सकते हैं, आप आएँ संगम नगरी। तो दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं संगम तट पे नहाने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ ककड़ी खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था दोस्तों आपको हर चीज़ दिखाते रहेंगे। कितने ककड़ी है भैया? तो दोस्तों आप ककड़ी खाते हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसे लगती है। देख पा रहे हैं आप 40 रुपये किलो है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 40 रुपये किलो है। तो चलिए खाते हैं और निकलते हैं, वीडियो में बने रहिए। हाँ काट दीजिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी ककड़ी यहाँ पे कट रही है। कहाँ से आती है अंकल जी ककड़ी? ये कठार में से आता है। कठार में से। तो दोस्तों आप भी ककड़ी खाने के शौकीन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ पे कितनी मात्रा में ककड़ी रखी गई है। ये काला नमक रखे हैं, काला नमक भी लगाते हैं ना इसमें? काला नमक भी लगाते हैं ना। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी ककड़ी हमारे हाथों में, बहुत ही बढ़िया ककड़ी है ये, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों मैं बता दूं ककड़ी खाने में मजा आ रहा है, आप भी आइए इलाहाबाद और खाइए जी भर के एकदम महंगी वाली ककड़ी। मैं बता दूं दोस्त मात्र 10 रुपए में एक पाव था जो कि 4 पीस थे, इतनी महंगी ककड़ी है अपने प्रतापगढ़ में तभी कहीं नहीं मिलती। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग ने यहीं से लिया, आप देख पा रहे हैं अंकल जी बेच रहे हैं। दोस्तों यहाँ के और भी फूड को टेस्ट करने वाले हैं आज, तो ऐसे वीडियो में बने रहिए, ऐसी सारी चीज़ देखने को भी मिलेगी। गाइस मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे जिसको देखने के बाद आपको बचपन की याद आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कैंडी आपने अपने बचपन में जरूर खाई होगी। 20 रुपये 100 ग्राम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस संतरे, इस टॉफी को आपने अपने बचपन में खाया होगा 1 रुपये की 4। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ आए थे प्रयागराज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे हम लोग दोस्तों सारी मिक्स लेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी फ्लेवर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हर तरह की है। भैया हमारे लिए सारा मिला के दे रहे हैं। इसे भैया आप अपने आप खुद बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, खरीदते हैं इसे? तो भैया बता रहे हैं यहाँ पे जो बेच रहे हैं कि खरीद के लाते हैं। कितने रुपये में है भैया जो दे रहे हैं आप? 10 रुपये 250 ग्राम हमने अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ पे कैंडी आ चुकी है जो कि संतरा कलर है। दोस्तों मैं अपने बचपन में इसे बहुत खाया करता था, 1 रुपये की 4। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। हम भी खाया करते थे 1 रुपये की 4, ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मैं दोस्तों बता दूं मुझे बचपन की याद आ रही है इसे खा के, वही फ्लेवर वही सेम टेस्ट है, अभी भी बदला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फ्लेवर और है थोड़ा, इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसे है। यहाँ पे भैया मिले थे जो कि ये भी भैया हाय बोल दीजिए थोड़ा, 900 ये भी यूट्यूब चलाते हैं। भैया अपने चैनल का नाम बता दीजिए एक बार। RGA 24 News India। ठीक है, भैया का चैनल जो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम लोग कैंडी खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। ठीक है भैया फोन करेंगे आपको। हाँ भैया नाम क्या डाले? कितने सब्सक्राइबर हैं भैया आपके? कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी हाल ही में चालू किया है। चलिए ठीक है, मिलकर बात करते हैं। अपनी वेबसाइट है RGA24। अच्छा ठीक है भैया, आप हमारे व्यूअर से कह दीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, प्रतापगढ़ का जाएगा, फूड ब्लॉगिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक चलिए, ज्ञानेंद्र लिखे भैया। हाँ ज्ञान कर।
तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी एक भैया मिले थे जो कि ये भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमें देखा फूड ब्लॉग मतलब वीडियो बनाते हुए, तो उन्होंने सोचा कि मेरी हेल्प की जाए। तो दोस्तों ये सब हेल्प करते ही रहेंगे, लेकिन आप मेरी हेल्प जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए बनते रहिए वीडियो में, आगे बने रहिए, और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हम चुमरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अपना चुमरा बनवा लिया, तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का चुमरा कैसे है। न्यूज वाले ना दोस्तों, बता दूँ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। चुमरा का टेस्ट वाकई में अच्छा है, मैं बता दूँ। यहाँ भैया देख पा रहे हैं आप दुकान लगाते हैं यहाँ पर, बहुत ऐसा भेलपुरी आप कहीं भी खाने का पाएंगे नहीं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वाकई में टेस्ट अच्छा है, आप यहाँ पे आए तो भैया देख पा रहे हैं यहाँ पे बनाते हैं भैया, अच्छी चीज़ें मज़ा आ रही है यहाँ पे, बहुत ही मात्र 10 रुपए में है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा अच्छी दी गई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम लोग घाट पहुँच चुके हैं एकदम, और यहाँ पे जा रहे हैं अब हम लोग नहाने। तो उतर तू नहाने जा रहा है कि नहीं, जल्दी उतारो यार कपड़े भी। तो दोस्तों चलिए हम लोग नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं अभी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम लोग नहा चुके हैं, और जस्ट हमारे पीछे संगम है, वहाँ हम लोग नहा के आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ की चीज़ों को और भी चीज़ों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है। तो बहुत तेज़ भूख भी लगी है, तो चलिए और यहाँ के स्वादिष्ट चीज़ों को फूड को टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे, और आप भी हमारे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं संगम नगरी पे हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है कचालू, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कचालू बिक रहा है। भैया बताइए यहाँ पे आप कितने रुपए कचालू बेच रहे हैं? 10 रुपए प्लेट। तो दोस्तों मैं बता दूँ संगम नगरी पे सबसे ज़्यादा कचालू बिकता है, लगभग एक दिन में कितना किलो बेच लेते होंगे आप? कम से कम 50 किलो बेच लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कचालू लग चुका है, तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का कचालू कैसे है। दोस्तों यहाँ की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रयाग की जो भी स्पेशल और यूनिक चीज़ें हैं सारी चीज़ों को टेस्ट करूँ और बताऊँ यहाँ का टेस्ट कैसे है। तो दोस्तों इसका प्राइस मात्र 10 रुपये में है, 10 रुपये में इतनी क्वांटिटी है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कचालू खा रहे हैं जो कि भैया बेच रहे हैं, जो कि इलाहाबाद की सबसे ट्रेडिशनल डिश है। तो हमने सोचा इसको भी टेस्ट करें और बताएं आपको यहाँ का टेस्ट कचालू का कैसे है। मैं बता दूं प्रयाग में आप आएंगे तो कचालू बहुत ही ज़्यादा पाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचा भी जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में। अब भैया का कहना है लगभग 50 किलो बेच लेते हैं लगभग 4-5 घंटे में, तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है। भैया आप इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं? हाँ हाँ, प्रयागराज। प्रयागराज के यहाँ पर रहने वाले हैं? सुराव के। लगभग कितने सालों से बेच रहे हैं आप इस चीज़ को? हम कम से कम 20 साल से बेच रहे हैं। भैया बता रहे 20 साल से यहीं पे बेच रहे हैं आप, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें कितना फ़ायदा होगा। तो चलिए और चीज़ों को टेस्ट करते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसे। यहाँ पे जो हमारे मित्र हैं वो महाकाल वाला टीका लगवा रहे हैं, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगा रहे हैं भैया। ये थोड़ा एक इसमें ओम बना हुआ है जो कैसे लगाया जा रहा है। तुम्हें लगवा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ये हिंदू धर्म में मानता है कि चंदन से उसका बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, उसका चंदन से उसका सम्मान गर्व बढ़ जाता है। पंडित जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप लगभग कितने सालों से ऐसे काम कर रहे हैं आप? फेसबुक पे नहीं डालेंगे आप? कितने सालों से कर रहे हैं आप? बहुत दिन से कर रहे हैं भाई। बहुत सालों से कर रहे हैं? तो पंडित जी कहना है यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो चलिए गुरु जी। चंदन जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अच्छा, चंदन अभी व्यापक नहीं लगते रहा भुजंग, जैसे सर्प पेड़ पर चंदन सर्प लगता रहता है, उसी तरह मस्तक पर जो है चंदन लपड़ जाता है। तो बहुत गर्व की बात है, जो चंदन मस्तक पर लग जाता है समझ लो मस्तक हमेशा शुद्ध रहता है। चलिए गुरु जी की दक्षिणा दीजिए, आज चलते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हम फूड ब्लॉगिंग करने आए हैं, कितने लोग हैं जो इसी अन्न के लिए कितनी तकलीफ़ें सहते हैं और मांगते हैं। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फूड को वेस्ट ना करें, खाने को कोई भी खाना है उसे बेकार ना करने से अच्छा है आप गाय को खिलाएं, आप जानवरों को खिला देने में वेस्ट ना करें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी तकलीफ़ से लोग यहाँ पर चीज़ों को बटोरते हैं और मांगते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर आप समझें।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे तरबूजा खाने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं डिब्बे में डाल रहे हैं। कितने रुपए का भैया एक पत्ता है? 10 रुपए का है। देख पा रहे हैं भैया यहाँ पे तुरंत ही काट रहे हैं। काट के रखते रहे भैया आपके सामने यार। चम्मच क्या है ले लीजिए। देख पा रहे हैं दोस्तों भैया कैसे काट रहे हैं, तरबूज की चाट बना रहे हैं भैया देखिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पत्ता लग चुका है, आप दोस्तों टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करिए बताइए कैसा है टेस्ट इसका। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा टेस्ट है बता रहे हैं। मैं बताऊं दोस्तों, मैं प्रयागराज में सबसे अच्छी चीज़ खाने को जो पाया ये तरबूज पाया, मात्र 10 रुपये में, बहुत ही अच्छा है और फ्रेश था दोस्तों, खाने में स्वादिष्ट था। और देख पा रहे हैं हमारे जो साथ में लोग आए हुए हैं वो भी टेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया। और मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को खाएँ जिसमें आपको मज़ा आए, और यहाँ की अब समझ ही सकते हैं आप। तो चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है मात्र 10 रुपये में, बहुत सारे लोग इसी को खाने के लिए आए हैं, भीड़ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं तरबूज खाए हैं, बहुत ही मीठा है। मैं बताऊँ स्वादिष्ट हूँ, भैया यहाँ कह रहे हैं मेरा भी ले लीजिए। भैया आपको टेस्ट कैसा लग रहा है इसका? शानदार टेस्ट है। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये ऐसी चीज़ है, उमदा टेस्ट है, आप इसको खा सकते हैं। कितने रुपए मिला भैया आपको ये? 10 रुपए में। अब बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, मैं बता दूँ 10 रुपए के नीचे यहाँ कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरे बाय कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। जनक नाम का भैया आपका? प्रतापगढ़ का जायका। प्रतापगढ़ का जायका? हाँ आएगा उसमें भी जाने? हाँ हाँ अभी तुरंत आएगा। तो दोस्तों बहुत ही देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ भीड़ लगाए इसी चीज़ खाने के लिए, मज़ा आता है और फ्रेश चीज़ है। पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमते हुए। आप देख पा रहे हैं जस्ट हमारे पीछे अब किला है जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब बहुत सारे भीड़ है, भीड़ तो मैं बताऊँ भीड़ की तो बात ही करूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अब हम लोग गन्ना का जूस पियेंगे, बहुत ही प्यास भी लगी है। इसी पीने के बाद दोस्तों आज का ब्लॉग एंड करेंगे। तो चलिए पहले गन्ने का जूस। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं फाइनली हम लोग गन्ने की दुकान पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा जूस यहाँ पे भैया बना रहे हैं। भैया जो गन्ना है ये देसी गन्ना है कि कौन सा गन्ना है? देसी गन्ना नहीं है। देसी गन्ना नहीं है ये? लाल गन्ना। लाल गन्ना है। तो दोस्तों कानपुर का गन्ना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो गन्ना का जूस है मात्र 15 रुपये 20 रुपये गिलास है, लेकिन वो भी देसी नहीं है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और यहाँ पे यही लोग नहीं पी पाते हैं। यहाँ पे चला रहे हैं हमारे साथ वाले हमारे फ्रेंड। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंकल जी सर्व कर रहे हैं। अर्जी वीडियो बनावा। हाँ भैया एक गिलास दीजिए बस। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गन्ना जूस हमारा हमारे हाथों में, लाइए। हेलो मजा आ गया, काफ़ी अच्छी मशीन है ये मशीन। भैया आपको कितने की मिलती होगी लगभग? 30 लाख की? 30 हज़ार की? 30 हज़ार की। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 30 हज़ार की मशीन से ही भैया सारी कामों को अपने कर रहे हैं। तो चलिए हाथों में हमारे गन्ने का जूस टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा जूस गन्ने का जूस हमारे हाथों में है, तो चलिए पीते हैं। बहुत प्यास लगी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भीड़ भी है गन्ने की दुकान पे। तो मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है सभी दुकानों पे मैंने देखा। मैं बताऊँ दोस्तों यार ठीक है, मज़ा नहीं है, फीका फीका लग रहा है एकदम, जैसे मतलब देसी गन्ने का जूस होता है वैसे नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है जैसे पानी जैसा, और ना मिठास है ना कुछ। तो मैं बता दूँ दोस्तों 15 रुपये का नहीं ये 20 रुपये का है, लेकिन सब व्यर्थ है। मैं बताऊँ गन्ने का जूस पीना व्यर्थ है यहाँ पे, लेकिन आप आए तो टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भैया बता रहे हैं इलाहाबाद में ऐसे गन्ना आता जो पानी जैसा लगता है, तो हम अपने प्रतापगढ़ का पानी भी लाकर यहाँ पे जरूर बेचना चाहेंगे अगले कुंभ मेला में। कानपुर का गन्ना ऐसे ही रहता है? अच्छा भैया कह रहे हैं कानपुर का गन्ना ऐसे ही रहता है, और देसी गन्ना होता तो मीठा रहता, देसी गन्ना नहीं है ना। नहीं।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार लाइक एम रखता हूँ, 1000 लाइक ठोक दो यार। और ऐसे ही फूड ब्लॉगिंग वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।